सर मुझे ऐसा लगता है कि आदमी और औरत भगवान ने दो अलग अलग क्रिएचर बनाए, हम दोनों कभी सेम हो ही नहीं सकते। प्रॉब्लम यह है कि हम एक दूसरे के बराबर खड़े होने, मतलब एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनना चाहिए। जब भी एक औरत आपसे कोई बात करती है सुनो ही मत। एग्जैक्टली सुनो सुनो मत, जवाब देने के लिए सिर्फ सुनो। फर्क है इसमें, जवाब देने के लिए मत सुनो। औरत को वो आदमी इतना गंदा लगता है जो सोल्यूशन देता है कि मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बता रही हूँ, आप मुझे सोल्यूशन बता रहे हो, वो कहेगी सोल्यूशन नहीं बस सुनो तुम। सिर्फ सुनो, गुंगे बन के बैठ जाए। यस वीमेन आर जस्ट देयर टू, कि वो ये चाहती है कि बस मुझे कुछ सुन ले। ऑफिस से आते हैं आप तो आपकी बीवी आपके पास ढेरों शिकायत ले, वो बस ये चाहती है कि सुन लो, करते रहा करो। जिस और सारे मर्द ना करते भी ये उन्हीं की चल रही है फिर, अच्छी कट उन्हीं की रही है, मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि एज सुन एज यू विल स्टार्ट गिविंग देम की एडवाइस की ऐसा करो वैसा करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने आप को गलत साबित नहीं करवाना चाहती कभी भी, वो आपको सिर्फ इसलिए बताती है कि आप सुन लो। और आप एक बार उसको कहते हैं हाँ यार तू बिल्कुल सही है, उसकी वो इतने में सेटिस्फाई हो जाती, वो इतने में ही खुश हो जाती, उसको बस सुन लो और उसे एक बार वैलिडेशन दे दो कि तुम बिल्कुल सही हो, खत्म। बट ऐसा क्यों है, मतलब ये तो गलत है ना। अलग अलग बनाए गए ना आदमी का, आदमी क्या है सोशल क्रिएचर है बहुत ज्यादा, फीमेल भी हो गई है, हालांकि वो बाहर जाता है उसका ब्रेन ही इस तरह से ट्रेंड है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और फीमेल का ब्रेन इस तरह से ट्रेंड है कि जितनी चीजें आपको रिसोर्सेज आपको दिए हैं आपको उनमें मैनेज करके चलना है। तो अब उसने पूरा दिन घर मैनेज किया, आप 12 घंटे आपका मेंटेलिटी वही है, आपका दिमाग वही चल रहा है कि आपको सोल्यूशन देने हैं, आप घर में भी आके वही अप्लाई करते हैं और वो भी घर में वो आपको मैनेज करती है, बिठा के आपको बताती है और आप क्या करते हैं सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। आपको सोल्यूशन नहीं देना, अगर आपको अपनी गृहस्थी अपना रिलेशनशिप अच्छे से चलाना है बस उसको सुनते रहो, हाँ यार तुम सही। एक ही मूल